नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमारा जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है वो है पाठ्यक्रम की परिभाषा को लेकर। और साथियों, पाठ्यक्रम की परिभाषा को लेकर हम जिस इकाई का अध्ययन कर रहे हैं वो इकाई है द्वितीय। और द्वितीय स्थान पर जो इकाई है उस इकाई का नाम है भाषा विकास। साथियों, व्यक्ति के सफल होने के लिए सर्वांगीण विकास होना अति आवश्यक है। और बालक का, किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होता है, सर्वांगीण विकास जब तक नहीं होगा तब तक वो अपने जीवन में अपार सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो साथियों, हम इस इकाई के माध्यम से बालक में किस प्रकार से विभिन्न अवस्थाओं में भाषाई ज्ञान उसे प्राप्त होता है, तो उस बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने बालवीय अवस्था में किस प्रकार से भाषा के ज्ञान की प्रक्रिया को, किस प्रकार से भाषा के ज्ञान को हम अर्जित कर सकते हैं, किस प्रकार के प्रयास के द्वारा भाषा का अर्जन किया जा सकता है, तो हमने जब पढ़ा कि बाल्य अवस्था में हम 6 वर्ष से लेकर 12-13 वर्ष तक हम इसका इस अवस्था को मानते हैं। तो 13 वर्ष की अवस्था में बालक में जब ये भाषाई विकास हो जाता है तो उसमें कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन आते हैं, उसमें कौन कौन सी कुशलताओं का समावेश होता है, उसमें कौन कौन सी योग्यताओं का विस्तार होता है, या भाषा संबंधी किस प्रकार से उसमें एक स्थायित्व आता है, तो इस बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो इसके पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने 12 तक 11 तक हमने बिंदुओं का अध्ययन कर लिया था, किन किन कौशलों का विकास होता है। तो अब हम उसके अगले जो शेष 25 बिंदुओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर 12 जो बिंदु नंबर 12 है उसके बारे में। तो बिंदु नंबर 12 यहाँ पर इस बात को उल्लेखित करता है कि पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, आश्चर्यादि बोधक तथा उद्धरण सूचक चिन्हों का प्रयोग करना भी सीखता है। इस 13 वर्ष की अवस्था में आता है तो बालक इस अवस्था में 8वीं या 9वीं कक्षा में होता है। तो इस अवस्था में आते हुए वो मतलब साहित्य की ओर प्रवृत्त होता है और उसका भाषाई संबंधी व्याकरण ज्ञान भी एक परिपूर्ण होता है, या फिर और भाषाई तत्वों का ज्ञान भी उसे हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बालक साहित्य की ओर उन्मुख होता है। तो साथियों, जब वो लेखन के रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है या किसी भी साहित्यिक प्रतियोगिता में अपना निर्वाह करता है, अपना हिस्सा लेता है, तो उसमें जब वो निबंध लिखता है, कहानी लिखता है या कोई भाषण लिखता है, तो उसमें समय समय पर उसमें मतलब विभिन्न प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, इसके अलावा भी आप देखेंगे कि जो आश्चर्यादि बोधक हैं या उद्धरण जो सूचक हैं, भी ये उद्धरण हमने किस तरीके से लिया है, तो उन उद्धरण या उन अवतरणों का उदाहरण भी वहां पर दे सकता है। तो उसमें इस प्रकार की कौशलता विकसित हो जाती है। उसके बाद है नंबर 13 पर अध्याय तथा स्वाध्याय, दोनों प्रकार की पुस्तकों में अध्याय और स्वाध्याय। साथियों, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अध्याय मतलब जो उसकी पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं वो जो अध्ययन करना है उसे, वो कहलाएगी उसकी अध्याय पुस्तकें। और स्वाध्याय पुस्तकें होगी जिस पुस्तक में जो संदर्भ से जुड़ी पुस्तक है, जो संदर्भ से जुड़ी पुस्तकें हैं या उस संदर्भ से जुड़ी हुई विषय वस्तु की अन्य पुस्तकें उसकी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, लेकिन उस विषय वस्तु को, उस विषय में दिए गए शिक्षण बिंदुओं को या उस अवधारणा को स्पष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वो जो पुस्तकें कहलाएगी स्वाध्याय पुस्तकें कहलाएगी। तो स्वाध्याय पुस्तकों में आए हुए शब्दों का अर्थ वह वर्तनी सहित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, किसी भी विशेष के अध्याय या स्वाध्याय प्रकार की जो पुस्तकों में आए हुए शब्दावली संबंधी ज्ञान या वर्तनी संबंधी जो ज्ञान है उसके अर्थ को ग्रहण कर सकता है।
और अगला जो जो हमारे समक्ष जो कौशल है, जो कुशलता है, उस बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यह 14 नंबर की जो हमारे सामने योग्यता विस्तार है, तो वो उसके बारे में क्या उल्लेख दिया गया है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों, 14 नंबर में ये बात बताई गई है कि बालक माता पिता, भाई बहन, अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के प्रति बरती जाने, प्रधानाध्यापक के प्रति बरते जाने वाली भाषा ही शिष्टाचार का ज्ञान प्राप्त करता है। साथियों, इस उम्र में आता है, मतलब ये बाल्यावस्था का जो एक कह सकते हैं बाल्यावस्था खत्म हो रही है, बाल्यावस्था का एक पड़ाव समाप्त हो रहा है और किशोरावस्था का एक किशोरावस्था की शुरुआत हो रही है। तो इस अवस्था में बालक में एक शिष्टाचार विशिष्टता है कि वो अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, चाहे छोटे हो बड़े हो, या अपने परिवारजनों के प्रति तथा अपने साथियों के प्रति, अपने साथियों के माता पिता या फिर अपने अध्यापक या प्रधानाध्यापक के प्रति जिस प्रकार की शिष्टाचार में, जिस प्रकार की भाषाई संबंधी शब्दावली की आवश्यकता होती है या जिन भाषाई संस्कारों की आवश्यकता होती है, तो उन संस्कारों या उन संस्कारों से जुड़ी हुई शिष्टाचार की भाषा का प्रयोग करना सीखता है। अब साथियों, अगली जो कौशल कहता है या कौशल में जो उल्लेख किया गया है जिस बात का, उसमें ये दर्शाने का जो प्रयास यहाँ पर किया गया है, कहानी कहने वस्तु अथवा चित्र वर्णन करने स्त्रो उपयुक्त कविताओं का पाठ करने तथा छोटे छोटे संवादों में भाग लेने की योग्यता को ग्रहण करता है। साथियों, इस अवस्था में आते बालक, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं कि इसमें बालक क्या करता है, वो कहानी कहना सीख जाता है, वो कहानी कहने लग जाता है, वो कहानी कह सकता है या किसी कहानी को सुनकर समझकर उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकता है, उसे अपने शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। साथ में वस्तु अथवा चित्र वर्णन करता है, किसी वस्तु के बारे में जो उसने देखी है, पहले समझी है, या किसी स्थान विशेष पर वो घूम कर आया है, भ्रमण करके आया है, या किसी घटना विशेष या विवाह समारोह में जाके आया है, तो उसका वर्णन वो अपने शब्दों में कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से चित्र वर्णन करना, उसके सामने कुछ चित्र रूप में कहानी दी जाए, या फिर पहले जो किताबों में कहानी आती थी कि एक मटका पड़ा हुआ है जिसे उद्यान में, और वहाँ पर एक कौआ दिखता है और कौआ उस मटके में देखता है, उसमें पानी बहुत कम होता है, और फिर वो तीसरे चित्र में कंकड़ डालते हुए दिखाया गया है, और चौथे चित्र में उसको पानी पीते हुए और उड़ते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से चित्र वर्णन में दी हुई कहानियों के बारे में हम बालक अपनी शब्दों में, अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने योग्यताओं के अनुसार, अपनी भाषाई कौशल के अनुसार उस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकता है, और स्त्रो उपयुक्त कविताओं का पाठन कर सकता है, उसके स्तर के अनुसार अपनी उसी स्तर के अनुसार कविताओं का वो भलीभांति पाठन भी करता है, उसमें ये योग्यता भी विकसित हो जाती है। साथियों, छोटे छोटे संवादों में भाग लेने की योग्यता का विकास होता है। साथियों, वो छोटे छोटे को प्रसंग या छोटी कहानी या छोटी सी एकांकी की तरह, मतलब कुछ लिखा जाए या छोटी सी लघु नाटिका लिखी जाए, तो उस उसमें वो एक संवादों में छोटे छोटे संवादों को बोल सकता है और संवादों को व्यक्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो अगला एवं 16 नंबर का जो अंतिम क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि छोटी छोटी कहानियों, घरेलू पत्रों, विद्यालय संबंधी आवेदन तथा सरल वर्णन को लिखने की योग्यता को प्राप्त करता है। साथियों, यहाँ पर बालक इस योग्यता को भी प्राप्त करता है कि बालक में छोटी छोटी कहानियों को वो सुना सकता है, घरेलू पत्रों को वो
अटक अटक के पढ़ सकता है या पढ़ भी सकता है पत्रों को। उसके अलावा विद्यालय संबंधी कोई आवेदन उसे दिया गया है तो उसे वो भर सकता है, उस आवेदन को, उसमें दी गई प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से सरल वर्णन वो कर सकता है, सरल प्रकार के वर्णन को वो कर सकता है। और साथ ही साथ साथियों उसमें लिखने की योग्यता का विकास भी होता है और उसे लिखने की लिखकर भी उसको अभिव्यक्त कर सकता है। तो साथियों आज की वीडियो व्याख्यान में हमने बाल्य अवस्था में होने वाले जो भाषाई संबंधी जो विकास है, भाषाई संबंधी जो भाषाई विकास के अर्जन की प्रक्रिया के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया है, समझा है, सीखा है कि वो 13 वर्ष की अवस्था में आते आते किस प्रकार से भाषाई ज्ञान से रूबरू होता है। तो साथियों आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।